नमस्कार साथियों, जन सरोकार मंच की तरफ से मैं सभी का स्वागत करता हूं। आज के सत्र में जैसा कि पहले हमने बात की थी कि हम बच्चे असफल कैसे होते हैं, इस किताब के आखिरी हिस्से पर बात करेंगे। तो इससे पहले तीन सत्रों में हम इसी किताब के शुरुआती तीन हिस्सों पर बात कर चुके हैं। तो मैं पहले थोड़ा सा उन तीनों हिस्सों की बात के बारे में थोड़ी सी चीज दोहराऊंगा, उसके बाद आज के हिस्से पर बात करूंगा। शुरू में हमने बात की थी कि इस किताब का प्राक्कथन भी बहुत अच्छा लिखा हुआ है और उस प्राक्कथन में इस किताब का ढांचा भी प्रस्तुत किया है। प्राक्कथन में होल्ड कहते हैं कि बच्चे असल में जो नाकाम होते हैं उस नाकामी की तीन वजह होल्ड बताते हैं प्राक्कथन में, कि बच्चे डरते हैं, ऊबते हैं और भ्रमित होते हैं। तो होल्ड ये कहते हैं कि ये डरते हैं वो बड़ों से और बड़ों को नाराज करने से डरते हैं, ऊबते इस बात से हैं कि स्कूलों में निरर्थक और नीरस काम होते हैं, और बच्चे भ्रमित इस बात से होते हैं कि अर्थहीन शब्दों की बाढ़ उन पर स्कूलों में गिराई जाती है या बाढ़ उन पर उनके सामने होती है, उस बाढ़ में वो भ्रमित हो जाते हैं। ऐसी भूमिका में होल्ट ये भी कहते हैं कि स्कूलों में व्यापक असफलता आखिर होती क्यों है। तो होल्ट कहते हैं पूरी किताब मैंने लिखी इसी खोजबीन में है कि हमारे स्कूलों में इतनी बड़ी बड़े पैमाने पर असफलता है क्यों है। जोनल टेगर कहते हैं कि भाई हम जो चीज़ बच्चों को सिखाना चाहते हैं वो बच्चे सीख क्यों नहीं पा रहे हैं, ये उनके सामने एक बड़ा सवाल था जिस सवाल से वो पूरे अपने स्कूली शिक्षण के दौरान जूझते रहे, उस पर विचार करते रहे, अपनी नाकामियों को स्वीकार करते रहे और कुछ कामयाबियों को भी शेयर करते रहे। लेकिन जहाँ जहाँ उन्होंने बात की तो उनकी इस पूरी किताब की एक खूबी यह भी है कि वो आत्मविश्लेषण बहुत करती है, अपनी कमियों को भी बड़ी बारीकी से विस्तार से रेखांकित करती है और जो उनको बच्चों को सिखाने में सफलता मिली उसको भी ठीक से रखती है। इस किताब के चार भाग हैं मुख्यतः, जिसका हमने पहले भी जिक्र किया था। पहला भाग है पैंतरेबाजी, दूसरा भाग है इसका भय और असफलता, तीसरा भाग शायद भय और असफलता है, एक भाग इसका है, हाँ दूसरा भाग भय और असफलता है, तीसरा भाग इसका वास्तविक ज्ञान है और चौथा भाग है स्कूल असफल कैसे होते हैं, और आखिर में थोड़ा सार संक्षिप्त दिया है जॉन वॉल्ट ने। तीन भागों पर बात कर चुके हैं। पैंतरेबाजी में हमने जिक्र किया था कि बच्चे आमतौर पर तीन चार तरह के पैंतरे इस्तेमाल करते हैं जो जॉन वॉल्ट ने काम करते हुए पहचाने, कि बच्चे कक्षा में फुसफुसाकर बुदबुदाकर बोलते हैं, बच्चे अध्यापक से उत्तर उगलवाने की पूरी कोशिश करते हैं, कई बार बच्चे तुक्का भिड़ाते हैं और अध्यापक के जवाब का इंतजार करते हैं, कई बार बच्चे ये भी करते हैं कि अनुमान लगाते हैं और अध्यापक का चेहरा देखते हैं कि उनकी टिप्पणी से, उनकी बात से अध्यापक के चेहरे पर क्या असर होता है। ऐसे ही कई बच्चे ये भी करते हैं कि वो चुप्पी साध जाते हैं ताकि अध्यापक उनकी नाकामी का या उन्हें कोई चीज़ नहीं आ रही है इसके बारे में पता न लगा सके। इन चारों पांचों पैंतरों के बहुत से उदाहरण जॉन वॉल्ट ने पहले हिस्से में दिए हैं। इसी तरह दूसरे भाग में हम देख सकते हैं कि दूसरा भाग पूरा फोकस था भय और असफलता पर। तो भय और असफलता के बारे में जॉन वॉल्ट कहते हैं कि कामों के बारे में और नाकामी कामयाबी के बारे में बच्चों के विचार बड़ों से अलग होते हैं, बच्चों का नजरिया भी अलग होता है। जैसे बड़े किसी काम को करने की कोशिश करते हैं और नहीं कर पाने पर ये सोचते हैं कि हम नाकाम हो गए, जबकि बच्चे किसी भी काम को करते हैं तो सीखने के लिए करते हैं और नाकाम होते हैं तो फिर से करते हैं, फिर नाकाम होते हैं फिर से करते हैं। तो वो किसी काम के को करते इस तरह से कि उसको सीखने के चरण की तरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो इसलिए उनको उसमें नाकामी का एहसास नहीं होता। उनको लगता है कि मैंने एक बार किया नहीं हुआ, फिर किया नहीं हुआ, फिर मैं करता हूँ नहीं हुआ, फिर से करता हूँ, तो वो तब तक कोशिश करते रहते हैं जब तक कि उस काम को ठीक से नहीं कर लेते। और जोनो डी भी कहते हैं कि बच्चे जब काम को सीख लेते हैं उसके बाद भी कई बार करते हैं, तो वो कहते हैं कि बच्चे असल में उस काम पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि मैं इस काम को कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, इसलिए काम के आ जाने के बाद भी बच्चे कई बार उस काम को बहुत वक्त तक करते रहते हैं। फिर जो लोग उस भय असफलता में ये बात भी कहते हैं कि बच्चे डरते क्यों हैं,
तो उसकी एक वजह वो ये बताते हैं कि बड़े लोग जो हैं वो बच्चों की काबिलियत पे भरोसा नहीं करते। क्योंकि बड़े बच्चों की काबिलियत पर भरोसा नहीं करते तो बच्चे जब कोई भी काम करते हैं तो बड़े लगातार टोकाटाकी करते हैं, और उनकी टोकाटाकी से बच्चे उस काम को करने में अपने आप पर भरोसा खो देते हैं। तो जो जैसे उदाहरण देते हैं, झूला झूलने वाला या ऐसे कोई काम करने वाला जिसमें बड़ों को डर लगता है, और बच्चे जब बड़े बार बार अपने डर को कहकर व्यक्त करते हैं और बच्चों को डराते हैं तो बच्चे उस डर को सही साबित कर देते हैं। जॉनर कहते हैं कि बच्चों को डरने से रोकें कैसे, तो इसका वो कहते हैं मेरे पास कोई सीधा जवाब नहीं है। कि वो कहते हैं मैंने खुद भी बहुत कोशिश की लेकिन स्कूली तंत्र की वजह से मुझे भी अंततः कई बार बच्चों को डराना ही पड़ता है, या ऐसी चीजें इस्तेमाल करनी पड़ती है जिनसे बच्चों को डर लगता है। ऐसी तीसरा हिस्सा था जिसमें वास्तविक ज्ञान पर हमने बात की थी, कि वास्तविक ज्ञान वाले हिस्से में जॉनर जो बात करते हैं कि भाई स्कूल में बच्चों को जो काम किया जाता है तो बच्चे आमतौर पर दो तरह की रणनीतियाँ इस्तेमाल करते हैं। कई बच्चे समस्या केंद्रित रणनीति इस्तेमाल करते हैं और कई बच्चे उत्तर केंद्रित। तो जो बच्चे समस्या केंद्रित रणनीति इस्तेमाल करते हैं वो समस्या को समझने की कोशिश करते हैं, उस समस्या से जूझने की कोशिश करते हैं, ऐसे रास्ते भी पकड़ते हैं जिनका उनको अंदाजा नहीं होता, तो वो कभी कामयाब होते हैं कभी नहीं होते हैं, और ऐसे बच्चे कल्पनाशील भी होते हैं। जॉनर्ड कहते हैं कुछ बच्चे, बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं कि उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो उनका जोर इस पर होता है कि जैसे तैसे उत्तर हासिल कर लें, और वो बच्चे उत्तर हासिल करने की फिराक में उस समस्या पर बहुत ढंग से सोचते नहीं है। अच्छा, जॉनर्ड ये भी कहते हैं ज्यादातर बच्चे हमारे स्कूलों में उत्तर केंद्रित ढंग से ही सोचते हैं, बहुत कम बच्चे समस्या केंद्रित ढंग से सोचते हैं, और जो समस्या केंद्रित ढंग से सोचते हैं वो भी जब दबाव होता है या डर होता है तब तो वो उत्तर केंद्रित ढंग से काम करने लगते हैं। ऐसे ही जॉनर्ड वास्तविक ज्ञान और फर्जी ज्ञान में अंतर करते हैं। वो फर्जी ज्ञान उसको कहते हैं जिसमें कि आपको बात समझ में नहीं आए लेकिन आपको लगे कि आपको बात आ गई है। जैसे कई चीजें हम रट लेते हैं और हम ये समझते हैं कि हमें वो चीज़ आ गई है, जबकि जॉनर्ड कहते हैं कि उस पर थोड़ी बात की जाए, उसको आगे कुरेदा जाए, तो बहुत मुमकिन है कि बहुत जल्दी पता चले कि वो चीज़ या वो बात आपको नहीं आती। नमस्ते कुसुम जी। फिर जॉनर्ड एक सूची बनाते हैं कि भाई हमें कैसे पता चले कि हम समझे या नहीं समझे, तो उसके चार पांच उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं सूची शुरुआती है कि हम उस बात को दूसरों को कह के देखें, या हम उस बात को किसी को उस बात पर अमल करके देखें, या उस बात के उदाहरण ढूंढें कि क्या हम उदाहरण मिलता है नहीं मिलता है, या उस बात को हम दूसरी बातों से जोड़ के देखें। तो ऐसे कुछ सूची बनाते हैं, कुछ उदाहरण देते हैं जिनसे वो कहते हैं कि हम ये पता कर सकते हैं कि हम इस बात को समझे या नहीं समझे। अब हम आज वाले हिस्से पर थोड़ी बात करेंगे। आज वाले हिस्सा का शीर्षक है कि स्कूल असफल कैसे होते हैं। मुझे इस हिस्से को और सार संक्षेप को पढ़ते हुए लगा कि किताब के शुरुआती दो हिस्से तो बहुत व्यवस्थित ढंग से लिखे गए हैं, जैसे पैंतरेबाजी वाला है, भय और असफलता वाला है। वास्तविक ज्ञान तक आते आते हिस्सा थोड़ा अव्यवस्थित हो जाता है, आखिरी दो हिस्सों में आते आते ये हिस्से बहुत व्यवस्थित ढंग से नजर नहीं आते हैं, तो इनमें व्यवस्था ढूंढना मुश्किल पड़ता है कि जैसे कैसे असफल होते हैं स्कूल। इसमें अगर हम ढूंढने की कोशिश करें कि क्या दोनों दो चार कारण बताते हैं तो हमें कारण साफ साफ दिखते नहीं है, और इनमें आते आते जैसे शुरू में दोनों कुछ वर्गीकरण करते हैं, कुछ पैंतरे बताते हैं, उससे बहुत सारे उदाहरण देते हैं, लेकिन इस हिस्से में आते आते हमें ऐसे कारण पकड़ में नहीं आते। तो मैं कुछ उदाहरण दूंगा जो उन्होंने इस हिस्से में लिखे हैं और उन पर थोड़ी बात करूंगा। जैसे जॉनर्ड कहते हैं कि बच्चे, जैसे वो एक उदाहरण से शुरू करते हैं बात अपनी, कि हमारे स्कूल में आमतौर पर परंपरा ये है कि भाई अगर बच्चे ने कुछ गलतियां की तो हम उसको वर्तनी की गलतियां की तो सुधारने के लिए कहते हैं कि भाई आप इसको 10 बार लिखो, 25 बार लिखो। तो जॉनर्ड ने भी शुरुआती दिनों में एक नियम बना रखा था कि अगर कोई बच्चा किसी एक पेज में 3 से ज्यादा गलती करता है तो उसे उस पेज को फिर से लिख के लाना पड़ेगा। तो उसका मकसद ये था कि
कि भाई जब बच्चा ने एक बार लिखा है और गलती की है, तीन से ज़्यादा गलती की है, तो दूसरी बार अगर वो लिख के लाएगा तो वो गलतियाँ कम करेगा। तो जॉनर्ट ने यही चीज़ एक बच्चे के साथ काम में ली, वो बच्ची उस बंदे को दोबारा लिख के लिए आई। जॉनर्ट हॉल्ट ने देखा कि पिछली बार, पहली बार उसके पास उसमें जो गलतियाँ थी वो गलतियाँ 5 थी, दूसरी बार जब उसने गलतियां लिख कर लाई तो उसकी गलतियां उसमें 7 हो गई। तब जोहर के सहयोगी शिक्षक ने कहा कि तुम ये बताओ कि तुम जो चीज जहां पहुंचना चाह रहे हो वहां पहुंच रहे हो क्या? तो जोहर को झटका लगा कि उन्होंने सोचा कि हमने ये तरीका चुना तो इसलिए था कि बच्चे जब पहली बार लिख रहे हैं तो अगर 3 से ज्यादा गलती कर रहे हैं तो अगली बार वो गलती कम करेंगे, लेकिन तरीके से हो रहा है कि बच्चे गलतियां ज्यादा कर रहे हैं। तो आमतौर पर लोग शिक्षक ये करते हैं कि फिर से बच्चे को और लिखने के देते हैं, पर जोनाट को लगा कि हमने ये तरीका चुना तो इससे था कि बच्चे गलतियां नहीं करें, लेकिन अगर इस तरीके से बच्चे गलतियां कर रहे हैं तो हमारा तरीका ठीक नहीं है। तो कहते हैं कई बार हम क्या है कि लक्ष्य और साधन में फर्क मिटा देते हैं, कि हम जो साधन चुनते हैं किसी लक्ष्य तक पहुंचने का तो उस साधन को ही लक्ष्य बना रहते हैं। जैसे साधन यहाँ पर यह है कि अगर एक बच्चे ने एक गलतियां की लिखने में तो उसको दोबारा लिखेगा गलतियां, तो गलतियां कम होगी, तो साधन ये है कि दूसरी बार लिखे। लेकिन अगर हम इसी साधन को बार बार इस्तेमाल करें और गलतियां बढ़ती जाए तो हमारा लक्ष्य तो जो कम गलती वाला था वो खत्म हो गया और सिर्फ हम साधन पर जोर दे रहे हैं। इस हिस्से में जो हम परीक्षा पर बहुत सारी बात करते हैं, वो कहते हैं कि परीक्षा को लेकर स्कूलों में बहुत जोर होता है और बहुत से लोग स्कूल और बहुत से स्कूल ज्यादातर स्कूल बहुत से क्या वो सोचते हैं कि परीक्षा से हम बच्चों का सीखना बेहतर कर लेंगे। जैसे बहुत रोचक हिस्सा है जब जॉनर्ट ये लिखते हैं कि भाई प्राथमिक शाला से लेकर उच्च माध्यमिक शाला तक हम सभी शिक्षक यह साबित करने में जुटे रहते हैं कि बच्चे असल में जितना जानते हैं उससे ज्यादा जानते हैं। और फिर ये कहते हैं भाई स्कूलों का रुतबा भी इस पर निर्भर करता है, शिक्षकों का रुतबा भी इस पर निर्भर करता है कि उनके बच्चे कितने अंक कितने ज़्यादा लाते हैं या उनके बच्चे किसी परीक्षा में कैसा प्रदर्शन करते हैं। तो वो परीक्षाओं का योजना बनाते हैं और परीक्षाएं लेते हैं। तो जोनल कहते हैं शुरू शुरू में जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तब मैं भी अनजाने में यही सोचता था कि परीक्षा का मतलब यह जांचना होता है कि बच्चे अपने पाठ्यक्रमों के बारे में कितना जानते हैं और क्या जानते हैं। लेकिन वो जोनर्ट कहते हैं कि मुझे ये पहचानने में ज़्यादा समय नहीं लगा कि अगर मैं बिना बताए कोई परीक्षा ले डालूँ जो पूरे पाठ्यक्रम से संबंधित हो तो मेरी कक्षा का हर एक बच्चा असफल रहेगा। मतलब रोचक बात है कि एक तरफ हम सब मानते हैं कि परीक्षाएं लेकर हम बच्चे कितना सीखे हैं इसकी जांच करते हैं, कितना पाठ्यक्रम उनको आ गया है, क्या हमने सिखाया ठीक से या नहीं है, और एक तरफ जो नोटिस नतीजे पहुंचते हैं कि अगर मैं पूरे पाठ्यक्रम की परीक्षा बच्चों से लूँ तो बहुत मुमकिन है कि मेरे सभी बच्चे नाकाम हो जाए। फिर कहते हैं दिक्कत और भी है कि अगर मैंने ऐसी परीक्षा ले ली तो हासिल क्या होगा कि शिक्षक की छवि बिगड़ जाएगी और स्कूल के लिए मुसीबतें खड़ी हो जाएगी कि लोग उसको स्कूलों में बच्चों को भर्ती नहीं कराएंगे और शिक्षक के बारे में लोग ये कहेंगे कि ये शिक्षक ठीक से पढ़ाता नहीं है। तो वो कहते हैं कि इसलिए परीक्षा लो। वो कि ज्यादातर स्कूलों में बच्चों को पहले बता दिया जाता है कि तुम्हारी परीक्षा होगी और फिर उनके बाद उनकी परीक्षा ली जाती है और उसमें भी उन्हें पहले ये बता दिया जाता है कि आपके कोर्स में क्या क्या आएगा, तो उसका कुछ हिस्सा वो पहले तैयार कर लेते हैं और उनके आधार पर परीक्षा दे देते हैं। तो कहते हैं कि ये सरासर बेईमानी है लेकिन असल में ये छलने की प्रक्रिया है कि बोर्ड परीक्षाओं को अगर देखें तो हम कह सकते हैं कि हम छल रहे हैं, पर वो कह रहे हैं हम ये नहीं समझते हम छल किसको रहे हैं कि बोर्ड जो परीक्षाएं होती है उस परीक्षाओं से हमारा ज्ञान कितना गहरा है ये पता नहीं चलता, क्योंकि हम कुछ सवालों को बच्चों को सिखा देते हैं, बच्चों उन सवालों को कर लेते हैं और औसतन बच्चे औसत अंक ले आते हैं और कुछ बच्चे ज्यादा अंक ले आते हैं तो उससे बच्चे परीक्षाएं पास कर लेते हैं, स्कूल का रिजल्ट भी अच्छा रहता है, लेकिन उससे ये नहीं पता चलता बच्चे कितना जानते हैं। और परीक्षा के इस छलावे इस धोंग से होता है कि बच्चे जानने लगते हैं कि हमें बहुत कुछ आता है और वास्तव में होता यह कि उन्हें बहुत कुछ नहीं आता।
और शिक्षक भी जानते हैं कि परीक्षा में अच्छे अंक ले आना इसका मतलब किसी विषय को जानने की बात नहीं होती। अच्छा, इसी तरह परीक्षाओं के बारे में ये बात करते हैं कि भाई बहुत से लोग कहते हैं कि परीक्षाओं का भय बच्चों को अधिक यानी बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करेगा। और दूसरा तर्क देते हैं कि परीक्षाएं बच्चों को यह जांच लेने देती है कि बच्चों ने सच में कितना सीखा है। तो होल्ट कहते हैं दोनों ही तर्क सिरे से गलत है। वो कहते हैं जिस सीमा तक बच्चे परीक्षा से डरते हैं उतना ही उनका काम बदतर होता जाता है, और उससे न तो यह पता चलता है कि अच्छे छात्र कितना जानते हैं और न ही उन छात्रों का भांडा फूटता है जो बिल्कुल नहीं जानते। तो परीक्षाएं जिन चीजों के लिए ली जाती है और जिनके लिए कही जाती है वास्तव में करती नहीं है। तो कहते हैं परीक्षाओं में बच्चों को ऊंचे नंबर मिलते कैसे हैं, तो इसका तरीका जोनट बताते हैं कि परीक्षाओं के 1 या 2 सप्ताह पहले शिक्षक बच्चों को ऐसे सवालों का अभ्यास करवाने लगते हैं जिस तरह के सवाल परीक्षा में आने वाले हैं। जब परीक्षाएं होती हैं तो बच्चे पावलो के कुत्ते की तरह अनुकूलित हो जाते हैं कि जब वे निश्चित तरह की संख्याओं उनके सामने लगाए प्रतीकों को देखते हैं तो उनके दिमाग में बत्तियां झपकने लगती है और वे रोबोट की तरह उत्तर लिख देते हैं ताकि काम चलो नंबर उन्हें मिल ही जाए। तो कहते हैं जिस स्कूल में काम करता था उस स्कूल के संचालक और प्रधानाध्यापक मेरे विचार वो जानते थे, लेकिन फिर भी वो मुझसे कहते थे कि भाई तुम अगर इस तरह की परीक्षा लोगे कि बच्चे पास नहीं होंगे, नंबर अच्छे नहीं आएंगे, तो माता पिता अभिभावक बखेड़ा खड़ा करेंगे और हमारा स्कूल बंद हो जाएगा और स्कूल तो बाकी स्कूल जैसे वैसे चलेंगे, इन बच्चों को बहुत मुश्किल हो जाएगी, इसलिए जैसे परीक्षाएं चल रही चलने दो। तो दोनों कहते हैं कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, लेकिन मेरे मन में सवाल हमेशा यह था कि क्या यह तरीका सही है क्या कि बच्चों की समझ को जांचने के लिए हम परीक्षा लें और परीक्षा के नाम पर बच्चों के साथ बेईमानी करें और बच्चों को यह भ्रम में जीने दें कि वो बहुत जानते हैं जबकि वास्तव में वो नहीं जानते। इसी तरह जो एक और चीज पर बात करते हैं कि स्कूलों में बहुत से बच्चे बेवकूफ नजर आते हैं, आप कुछ भी कहो तो उनको समझ में नहीं आता, ऐसा चेहरा बना के बैठे रहते हैं कि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो वो कहते हैं मुझे बहुत वक्त पर समझ में नहीं आया कि बच्चे ऐसा व्यवहार करते क्यों हैं, कि जबकि बच्चे बहुत सीखने को उत्सुक होते हैं, हमेशा बच्चे बात करते हैं काम करते हैं, लेकिन स्कूलों के अंदर वो इस तरह का व्यवहार करते हैं कि वो मूर्ख हैं। तो कहते हैं कि मुझे उस समय समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में मैंने कोई लेख पढ़ा तो उस लेख में मैंने एक चीज पढ़ी कि भाई एक शिविर नाजियों के बंदी गृहों में जो जर्मन यात्रा शिविर थे उनमें जो व्यक्ति थे उनके बारे में कुछ शोधकर्ताओं ने एक तरह की चीज देखी कि वहां पर व्यक्ति शिविर व्यक्तित्व तो ओढ़ लेते थे। शिविर व्यक्तित्व तो क्या है कि वो कहते हैं व्यक्ति क्या करते हैं आज्ञाकारी दिखते हैं, विनम्र होने का नाटक करते हैं, मूर्ख होने का नाटक करते हैं, चेहरे पर हमेशा एक मूर्खता भरी मुस्कान रहती, नमस्ते चंद्रमान जी, उनको जब भी कोई बात कहते वो ध्यान से सुनते और ऐसे दिखाते सब समझ रहे हैं यह नहीं है और ऐसे सहमति से हिलाते और फिर ऐसे सवाल करते हैं कि उनको कुछ समझ में नहीं आया। तो कहते हैं कि इस तरह का व्यक्तित्व अपने चेहरे और शरीर पर ओढ़ लेना उनके स्वाभिमान को बचाने में मदद करता था। तो कहते हैं दुनिया में पराधीन जातियां हमेशा अपने शासकों को शांत करने अपने सम्मान को बचाने के लिए इस तरह का मुखौटा ओढ़ लेती है। वो कहते हैं बच्चे भी मूलतः क्या है कि शासित कौम है, नमस्ते इम्तियाज, नमस्ते राम सिंह। तो कहते चूंकि बच्चे ज्यादातर स्कूलों में होते हैं, स्कूल जिस तरह से होते हैं कारागार की तरह काम करते हैं, तो वहां पर बच्चे एक तरह से शासित कौम की तरह होते हैं और वो अपनी प्रतिभा प्रकट नहीं कर सकते क्योंकि जैसी वो प्रतिभा प्रकट करेंगे तो उनके साहस और उनकी हिम्मत से स्कूल अध्यापक और तंत्र को खतरा होता है। तो स्कूल अध्यापक तंत्र कोशिश ये करता है कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा अनुशासन में रहें और ज्यादा से ज्यादा चुप रहें और सुने और काम करें, सवाल नहीं करें, अपनी रचनात्मकता को इस्तेमाल नहीं करें। तो इसलिए होता है कि बच्चे डर की वजह से और वहां हो रहे काम की में ऊब की वजह से और उस काम के प्रति विरोध की वजह से ऐसा व्यक्तित्व बना लेते हैं कि हमें लगता है बेवकूफ बच्चे हैं, जबकि वही बच्चे जब स्कूल से बाहर काम करते हैं तो बहुत से बच्चे बहुत सक्रिय ढंग से काम करते हैं और बहुत सी चीजों पर अपनी काबिलियत दर्शाते हैं। तो जॉनट कहते हैं कि हम जानते भी हैं कि जब बच्चे स्कूल में आते हैं तो जिज्ञासा से भरे होते हैं, बहुत से सवाल पूछते हैं, कहते हैं कक्षा 1-2 में आप सवाल पूछो तो बच्चों के सवालों की बाढ़ आ जाएगी,
पांच छह में आप सवाल पूछो बहुत कम सवाल आएंगे, और आठ नौ में तो बच्चे सवाल करते ही नहीं है। तो कहते हैं ऐसा क्यों होता है, तो उसकी वजह वो यही बताते हैं जिसका वो शुरू में जिक्र कर चुके हैं कि बच्चे डरते हैं, ऊबते हैं और भ्रमित रहते हैं। तो इस वजह से बच्चे धीरे धीरे सवाल करना बंद कर देते हैं। तो कहते हैं ये ऊब और विरोध जो है जितनी बेवकूफी पैदा करता है उतना भय भी पैदा करता है। इसके इस आखिरी हिस्से में जॉनल्ड एक मध्यमवर्गीय माँ की टिप्पणी शेयर करते हैं और उस पर अपनी राय रखते हैं। वो कहते हैं एक बच्चे की माँ ने कुछ दिनों पहले उन्हें कहा कि मुझे लगता है कि आप स्कूल के काम को बच्चों के लिए रोचक बनाकर भारी गलती कर रहे हैं। आखिरकार उन्हें अपनी जिंदगी ऐसे ही कामों को करते हुए तो बितानी है जो उन्हें पसंद नहीं आएंगे आएंगे। बेहतर होगा कि वह अभी से इसकी आदत डाल दें। तो हम देख सकते हैं इस तरह की बातें हमारे समाज में बहुत से लोग कहते हैं कि भाई जब बड़े हो के आपको नौकरी की चक्की में ऊब भरे काम में पिसना ही है तो क्यों नहीं आप बचपन से ही ऊब भरे काम बिना समझे आज्ञा मानना ही वो सीखें। तो डोनाल्ड कहते हैं कि यह तो समझ आता है कि वयस्कों की जिंदगी में हताशा बहुत है, बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां जो निरर्थक है, बहुत सारे कर्तव्य हैं, उनकी जिंदगी बहुत सारों की गुलामी की तरह बीत रही है, लेकिन वो इसके लिए बच्चों की जिंदगी इस तरह की बनाना चाहते हैं तो ये बहुत कोई अच्छी बात नहीं है। तो कहते हैं कि एक अजीब बात यह है कि वो महिला भद्र है, प्रखर है, बेटे से प्यार करती है, लेकिन वो अपने बच्चों पर विश्वास नहीं करती और ऐसी बात पर विश्वास करती है जो बच्चों पर भरोसा नहीं करती। वो ये सोचती है कि अगर बच्चों पर दबाव नहीं डालें बड़े लोग तो वे अपने आप को सार्थक काम करेंगे ही नहीं। जबकि जॉनल्ड कहते हैं ये बात सरासर झूठ है कि इसका उल्टा सही है कि अगर हम दबाव नहीं डालें और बच्चों को स्वतंत्र ढंग से चीज़ों को ढूंढने खोजने करने का मौका दें तो बच्चे ज़्यादा बेहतर ज़्यादा अच्छे ढंग से काम करेंगे। अब इसके आखिरी हिस्से को अगर देखें तो आखिरी हिस्से में बजाय पूरी किताब का सार संक्षेप करने के दो चीज़ें जॉनल्ड सुझाते हैं कि एक तो कहते हैं कि अपने 5-7 साल के अनुभव के बाद मैंने शिक्षकों के साथ स्कूल में कोई क्रांतिकारी बदलाव लाने की चर्चाएं बंद कर दी है। वो कहते हैं मुझे लगता है कि जब ऐसी बातों को करने का क्या फायदा जो उनके बस में ही नहीं है। तो उन्होंने ये करना शुरू किया जॉनल्ड ने कि अध्यापकों से बात करनी शुरू की कि वो ऐसे तरीके अपनाएं जिससे बच्चों के पढ़ना लिखने सीखने को बेहतर ढंग से बेहतर बना सकें। और जॉनल्ड कहते हैं कि भाई मैं जब शिक्षक बना तो मुझे इस काम में रुचि इस बात से पैदा हुई कि मैं अपने कक्षा के बच्चों को बेहतर ढंग से कैसे पढ़ाऊं, कोई चीज़ कैसे सिखाऊं, हिज्जे करना कैसे सिखाऊं, हिसाब करना कैसे सिखाऊं, और इन सब छोटी छोटी चीज़ों पर सोचने से मेरे शिक्षण कार्य को मेरे शिक्षण जीवन को रोमांचक और उत्तेजना से भर दिया। वो बताते हैं कि मैंने एक पहले छात्र ने जब भिन्नों के बारे में सवाल पूछा तो उसका जवाब ढूंढने में मुझे 13 वर्ष लग गए। और एक शिक्षक के नाते इसी तरह शोध करना इस तरह खोज करने में मजा आता है। हम अपना अनुभव देखें मैं अपना अनुभव देखूं तो जब मैं शुरू में बड़ों के साथ काम करता था और अपने बच्चों के साथ काम करने वाले दोस्तों के साथ बात करता था तो उनकी कुछ समस्याओं को ढूंढने में मुझे काफ़ी मजा आता था। और कुछ समस्याओं को ढूंढने में जैसे मैंने भी भिन्नों को कैसे अलग अलग तरह से समझाएं इसको खोजने में काफ़ी वक्त लगाया और वो जो वक्त लगाया मुझे आगे बड़ों को भिन्न सिखाने में बहुत काम आया। मुझे याद भी रहा कि मैंने भिन्न के बारे में कैसे कैसे काम करें कि क्या तरीके ढूंढें, भिन्न को क्षेत्रफल में कैसे दिखाएं या भिन्न को संख्या रेखा पर कैसे दिखाएं या भिन्न के जोड़ को कैसे दिखाएं, भिन्न के गुणा को कैसे दिखाएं या भिन्न के भाग को कैसे दिखाएं। और भिन्न के भाग को अलग अलग मॉडल में दिखाने में मुझे बहुत मुश्किल आई, अभी भी एक दो जगह मुश्किल आती है। तो कहते हैं कि एक रास्ता ये है क्योंकि बड़े बदलाव उनको लगता है कि बहुत इस बड़े तंत्र में मुमकिन नहीं है तो शिक्षक इन छोटे छोटे अपने कामों में अपने रोजमर्रा के शिक्षण कार्य में रुचि भी ढूंढ सकते हैं, रोमांचकता भी खोज सकते हैं। फिर सारा इसमें एक बात और कहते हैं कि भाई स्कूल ये सोचते हैं, कहते हैं स्कूलों में होने वाली अधिकांश गतिविधियां जिन विचारों से प्रेरित होती है उन्हें हम इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं कि मानवीय ज्ञान के अथाह सागर के कुछ ऐसे अंश भी हैं जिन्हें हम आवश्यक कह सकते हैं, जिन्हें हरेक को जानना जरूरी है। फिर दूसरा जो चीज़ स्कूल मानता है कि आज की दुनिया में किसी व्यक्ति को जिस सीमा तक शिक्षित या विवेकशील जीवन यापन करने योग्य यह समाज का उपयोगी सदस्य कहा जा सकता है वह इस पर निर्भर करता है कि उसने आवश्यक ज्ञान कितना ग्रहण किया है।
और स्कूलों का जिम्मा है कि वो उस आवश्यक ज्ञान को बच्चों को सौंप दे, भले ही गले में ठूसे, भले ही उसके दिमाग में ठोक ठोक कर भर दे। तो जोहान कहते हैं कि स्कूल इन तीन बातों को मानते हैं, तीनों ही बातें बकवास हैं, क्योंकि स्कूल अगर ये सोचते हैं कि वो नहीं सिखाएंगे तो बच्चे नहीं सीखेंगे, ये गलत बात है। वो कहते हैं इसका उल्टा है कि कई बार बच्चे स्कूल से बाहर बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा कई तरह सीखते हैं। तो इसके उदाहरण भी देते हैं कि वो एक रोचक किस्सा बताते हैं कि एक बार उनके स्कूल की बच्ची छुट्टियों में घर गई और लौट के आई, उसने परीक्षा दी तो उसके 25 में 15 नंबर आए। फिर वो 15-20 दिन स्कूल में लगातार आती रही, फिर उनका परीक्षा हुई तो उस बच्ची के 15 में से 7 नंबर आए। फिर तो उनको लगा, मुझे उनको हैरानी हुई कि भाई जब तक ये छुट्टियों पर थी, छुट्टियों से आई तब आने के बाद उसने परीक्षा अच्छे से की, और जब स्कूलों में काम कर रही है तब ये परीक्षा में कम अंक ला रही है। फिर दोनों ये कहते हैं कि स्कूल ये सोचते हैं कि भाई स्कूल के अंदर ज्ञान है, वही ज्ञान काम का है। तो कहते हैं ये बात सही नहीं है कि हो सकता है बहुत से ऐसा ज्ञान हो जो स्कूल शामिल नहीं करता, लेकिन वो भी बहुत काम का हो सकता है। और एक बड़ी वजह कहते हैं कि जिस ज्ञान को सीखने में बच्चे की रुचि हो, बच्चा उस ज्ञान को ज़्यादा अच्छे से सीखता है और वो उस ज्ञान के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें सीखता है, तो वो ज्ञान उससे ज़्यादा काम का हो सकता है, भले वो शिक्षा क्रम में आता है या नहीं आता। तो वो कहते हैं कि किसी भी विषय वस्तु के ज्ञान को कीमती, मतलब अपना आप कोई चीज कीमत इस बात की है कि सीखने की प्रक्रिया क्या है और आपने कौन सा ज्ञान किस सीखने की प्रक्रिया सीखा है। कि अगर आपने ऐसा ज्ञान है जो सीखने की ऐसी प्रक्रिया सीखा है आप नहीं समझ पाते, उसको रट के रख लेते हैं, तो वो आपका ज्ञान बहुत काम का नहीं है। और यदि ज्ञान आपके स्कूल में नहीं है और आपने उसे इस तरह सीखा है कि आप उसने करके देखा है, आपने उसको खोजबीन की है, आप उसको समझ के कर रहे हैं, तो वो ज्ञान आपके ज्यादा काम का है। तो आखिर में कहते हैं कि भाई, वो कहते हैं मुझे समझ नहीं आता है कि क्या किया जाए, स्कूलों के तंत्र में तो बहुत संभावना दिखते नहीं है, तो फिर क्या किया जाए। वो कहते हैं कि ऐसी जगह बनाई जाए जहाँ पर बच्चे अपनी क्षमताएं गुण विकसित कर सकें और बच्चों को बहुत सारे काम करने की गुंजाइश हो, तो चुन सकें कि वो क्या करना चाहते हैं, कितनी मात्रा में करना चाहते हैं। तो ऐसी अगर जगह हो तो बच्चे वहाँ सीख कर अपने आप की काबिलियत को विकसित कर सकते हैं। पर उनका ये उनकी कल्पना है और इस कल्पना के लिए वो आखिर तक कोशिश करते रहे कि ऐसी बहुत सी जगह बने जहाँ बच्चे बहुत सारे काम कर सके। चलिए, तो मुझे लगता है किताब पर पूरी बात कर चुके हैं। अब यदि कोई सवाल करना चाहते हैं तो सवाल लिख सकते हैं, मैं देखता हूँ कि कोई सवाल है क्या, तो उनको कुछ बात कर सकते हैं। प्रकाश जी एक चीज लिख रहे हैं, प्रकाश वैष्णव, कि शिक्षक का बच्चों के ही क्षेत्र का होना अनिवार्य है या नहीं है। जॉन ऑल्ट इस बारे में कुछ नहीं कहते हैं कि शिक्षकों और बच्चों के क्षेत्र का होना चाहिए नहीं चाहिए। मुझे लगता है हमारे देश में सवाल उठता रहता है कि शिक्षक बच्चों के क्षेत्र का हो या नहीं हो, और उसकी कई वजह है कि वो शिक्षक वहाँ रहता है नहीं रहता है, वो शिक्षक वहाँ की भाषा बोल सकता है नहीं बोल सकता है, वो शिक्षक उस समुदाय के बच्चों से सौहार्दपूर्ण संबंध बना सकता है नहीं बना सकता है। तो ये समस्या मुझे लगता है हमारे यहाँ की ज्यादा है, जॉन ऑल्ट समस्या शायद जूझे नहीं। फिर प्रकाश कह रहे हैं कि भाई क्या ये कारण स्कूल के असफल होने के कारण सम्मिलित किया जा सकता है। मुझे लगता है स्कूल देखना पड़ेगा किस स्कूल के संदर्भ में क्या कारण है, मगर किसी भी कारण को सभी स्कूल पर बिना उस स्कूल को जाने हम नहीं लगा सकते। प्रकाश ये भी कह रहे हैं कि बच्चों को उनकी क्षेत्रीय भाषा में ज्यादा समझा जा सकता, तो ये बात तो सही है कि बच्चों को क्षेत्रीय भाषा भी नहीं, बच्चों को उनकी मातृ या पिता की भाषा में ज्यादा बेहतर समझाया जा सकता है, मतलब जो भाषा बच्चे जानते हैं उस भाषा में समझाया जा सकता है। क्योंकि क्षेत्रीय भाषा हो सकता है कि एक ही क्षेत्र में कई भाषा के बच्चे हों, बोलने वाले सुनने वाले, तो जरूरी नहीं क्षेत्र की प्रमुख भाषा अगर हिंदी है या मेवाड़ी है मारवाड़ी है, लेकिन बच्चे सभी मेवाड़ी मारवाड़ी जानते हों। तो इसलिए यहाँ पर तर्क ये ठीक रहता है कि जो बच्चे इस भाषा को जानते हैं उसको उनको बेहतर समझाया जा सकता है। अश्विनी कह रहे हैं कि बच्चों की गलतियां सुधारने के लिए उन्होंने क्या तरीका निकाला। उसमें तरीका लिखा नहीं है, पर उनकी बात से मुझे समझ आया कि उन्होंने उस तरीके को इस्तेमाल नहीं किया जो हमारे यहाँ बहुत इस्तेमाल करते हैं, कि अगर आपने शब्द को की वर्तनी ठीक नहीं लिखी है तो शिक्षक ये करते हैं कि उस शब्द को 10 बार 20 बार 25 बार लिखने के लिए देते हैं। और मेरा बचपन का खुद का अनुभव ये है कि जब 20-25 बार आप शब्द को लिखते हैं
तो ऊपर शब्द कुछ अलग होता है, नीचे जाता है तो शब्द कुछ और हो जाता है, यानी वो ज्यादा गलत हो जाता है। कि धर्मेंद्र कह रहे हैं कि शिक्षक का इसमें कितना रोल है कि वो बच्चों में जिज्ञासा जागृत करे ताकि उत्तर आधारित नहीं हो। मुझे लगता है जॉनोटी कह रहे हैं कि भाई स्कूल में चूंकि दबाव है, कई चीजों का डर है, दबाव है, तो उसकी वजह से बच्चे उत्तर ढूंढते हैं। यदि शिक्षक जैसे एक वो एक उदाहरण देते हैं कि एक स्कूल में गए तो वहां की प्रधानाध्यापक ने कहा कि हमारी एक शिक्षिका बहुत अच्छी है, आप जाके कक्षा देखिए। वो गए उनकी कक्षा देखने, वो अध्यापिका पढ़ी लिखी थी, सुसंस्कृत थी, सभ्य थी, अच्छी भाषा बोल रही थी उन वहां के हिसाब से। उसने कुछ सवाल दिया बच्चों को, एक बच्चे ने सवाल गलत किया तो अध्यापिका ने अपनी आवाज को कड़ा करके कहा, बच्चे का नाम लिया जो भी नाम था जॉन जेन, कि जेन हमने बात की थी गलत जवाबों को इस कक्षा में शेयर नहीं करेंगे। तो बच्चा डर के बैठ गया। तो जॉनर्ड ने कहा कि भाई उसकी कक्षा बहुत अच्छे से चली, किसी बच्चे ने कोई गलत जवाब नहीं दिया, जो सही जवाब था वही आया और कक्षा पूरी हो गई। तो वो कहते हैं कि इस तरीके से जब गलत जवाब जिस बच्चे ने लिखा उस बच्चे को समझ में नहीं आया कि उसका जवाब गलत क्यों है। और हम सब जानते हैं कि एक नजरिया यह है कि गलती करना सीखने का एक कदम है, जिसको बड़े गलती कहते हैं, बच्चों के सीखने का कदम है। तो अगर वो बच्चा, अगर मान लीजिए इस उदाहरण में शिक्षक बच्चे की गलती को सुने कि बच्चे ने क्या जवाब दिया, मतलब गलती तो शिक्षक कह रहा है, बच्चे के पास सवाल का जवाब है, कि अगर शिक्षक उस बच्चे का सवाल का जवाब सुने और उससे पूछे कि उसने जवाब कैसे हासिल किया, और दूसरे बच्चे का जवाब सुने और ये पूछे जवाब कैसे हासिल किया, दोनों फल क्यों है, और उनके विचार सुने और बात करें, तो एक रास्ता मिल सकता है कि वो बच्चे सिर्फ उत्तर ढूंढने के बजाय उनका उत्तर कैसे आया और कौन सा सही है, किस तरह से पता करें सही है, तो बच्चे हो सकता है कि अपनी जिज्ञासा, अपनी गलतियों को शेयर करें, जिज्ञासा को बनाए रखें। शब्द को सुधारने के संदर्भ में लतीफा याद आया, तो लतीफा कैसे शेयर करोगे धर्मेंद्र? धर्मेंद्र एक लतीफा सुनाना चाह रहे हैं, तो मैं देखता हूँ धर्मेंद्र दिख रहे हैं क्या इसमें। महेश जी, हाँ महेश गुर्जर लिख रहे हैं कि राजस्थान में 1992 से कक्षा 1 से 10 अनिवार्य कला शिक्षा नहीं पढ़ाई जाती, न कला शिक्षा शिक्षण पद है, फिर भी अंक तालिका में लाखों बच्चों को सामान्य शिक्षक कला शिक्षा में मूल्यांकन कर ग्रेडिंग दे रहे हैं, बच्चों की सृजनात्मक शिक्षण का हनन हो रहा है। सही बात है कि बिना शिक्षक के, वैसे मुझे लगता है इस उदाहरण से बहुत साफ है कि मूल्यांकन कर देने से ये पता नहीं चलता है कि बच्चों को कला आती है नहीं आती है, कला में बच्चों की समझ कितनी है। और ये बहुत ही सटीक उदाहरण है कि ए ग्रेड मिल जाने से बच्चों को चित्र बनाना, मूर्ति बनाना या कला की समझ है, रंगों की समझ हो जाए, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। तो ये ढोंगी है कि ग्रेडिंग के बाद आप ये कह सकते हैं कि मेरे बच्चे को कला में A+ मिल गया और कला में एक छोटी सी कोई चीज बनाना नहीं जानता। तो ये मूलतः परीक्षा लेना कितना मूर्खतापूर्ण काम है या ग्रेड देना कितना मूर्खतापूर्ण काम है और तंत्र में कितना फालतू का काम हो सकता है, उस बात को दिखाता है। चलिए, तो मुझे लगता है कि जितने कमेंट मुझे दिखे उन पर अपन बात कर चुके हैं, तो सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। और अगली बार कोशिश करेंगे किसी और किताब को लेकर, और इस बार मैं कोशिश करूंगा कि किताब पर बातचीत 4 खंडों में नहीं हो, कम से कम 1 या ज्यादा से ज्यादा 2 खंडों में बात हो जाए। शुक्रिया सभी को।